Assalamu alaikum students, how are you? I'm your subject teacher Miss Nadia. I'm going to teach you social studies in class 8, but I'm going to teach you a book of a class 9 syntax book board Jamshoro. Let's start our chapter number 3, the constitutional development in the Islamic Republic of Pakistan. जैसे कि आपके सामने आपके पास मौजूद है आपके थर्ड चैप्टर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है? आपके पास व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ लॉज, ये आपके पास बेसिक कवानीन का मजमुआ होता है. जो रूल्स और रेगुलेशन जो आपके पास मुल्क चलाने के लिए होते हैं, ये वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिससे आपका मुल्क चलाया जाता है. इससे आपका मुल्क बहुत ज़्यादा आज़ाद होता है, क्योंकि जितने रूल्स और रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से आपके मुल्क में फॉलो किए जाएंगे, उतना ही आपका मुल्क इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उतनी ही आप ज़्यादा अमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे अपने मुल्क में. पहला टॉपिक है नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपके मुल्क में रहते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई. अगर हम मैन हिस्ट्री को देखें, मैन काइंड को देखें, वो हमेशा छोटे छोटे फैमिली यूनिट्स में रहते थे, उनके अपने रूल्स और रेगुलेशन से ज़िंदगी गुजारने के लिए. जैसे जैसे वो फैमिलीज बड़ी एक्सटेंड हुई तो उनके पास वो जो है ट्राइब्स की सूरत उन्होंने इख्तियार की, ठीक है? आपके पास बड़े और छोटे ट्राइब्स की सूरत में उन्होंने आपके पास ज़िंदगी गुजारना शुरू की. तो उन ट्राइब्स के जो है उनमें एक आपके पास हेड ऑफ़ द ट्राइब मौजूद होता था, वो उनके सोशल माशरती इकोनॉमिकल और उनकी हिफाजत डिफेंस जो ज़रूरियात होती थी उनको पूरा करता था. जैसे जैसे आपके पास पॉपुलेशन बढ़ी, आपके पास बिगर यूनिट्स बने, मतलब आपके वो ट्राइब्स बढ़कर जो है गाँव और शहरों की शक्लों में इख्तियार हो गए. जब वो शहरों की शक्लों में आपके पास आबादी बढ़ी, जैसे जैसे आपकी बिगर यूनिट्स में आपकी फैमिलीज कन्वर्ट हुई, मतलब आपके जो ट्राइब्स या कबीले थे वो गांव में कन्वर्ट हुए, फिर और आबादी बढ़ी, शहरों में कन्वर्ट हुए, और जब शहर और ज़्यादा बढ़ के आपके जो है सरहदें बढ़ी, ठीक है? जब आपके पास सरहदें बढ़ी टेरिटरीज, तो उन टेरिटरीज की फाउंडेशन किस चीज़ पर रखी गई? ज़बान, कल्चर और ट्रेडिशन पर. मतलब प्रॉपर तरीके पर जब आपके मुल्क बने, मुल्क बटे और नई नई आपके पास उसमें से रियासतें और कंट्रीज जो इमर्ज हुए, तो वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम किए उस रियासत और मुल्क को चलाने के लिए. तो वही रूल्स और रेगुलेशंस का जो सेट है वो आपके पास कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसकी वजह से जब उन मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशन को कम्बाइन किया गया, सेट बनाया गया, तो वो सेट आपके पास कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन टू रन अ स्टेट. पहला हमारे पास है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकासद, रेजोल्यूशन मतलब करारदाद. कौन सी करारदाद? 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पेश हुई थी, जो हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को हासिल किया गया था. जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था. 14 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक, जब तक के कायदे आज़म का इंतकाल हुआ, पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े मसाइल थे. कायदे आज़म उनको हल करने में इतने मगन रहे, उनकी सेहत ने भी उनका साथ दिया, कि अनफॉर्चुनेटली कायदे आज़म पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं पाए. कायदे आज़म के इंतकाल के बाद लियाकत अली खान और जितने मुस्लिम लीडर्स मौजूद थे, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान को जिस इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया था, तो पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दैट टेम्प्ररी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो बेसिकली आपके पास इट विल यूज़ इन द फ्यूचर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज अ टेम्प्ररी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है? 12 मार्च 1949 को इसको जो है अप्रूव किया गया और पाकिस्तान में लगाया गया. इसका बेसिक मकसद था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मकसद था पाकिस्तान को जो हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, वही इस्लामिक कानून हमारे पास मौजूद हों. और इसके बेसिक प्रिंसिपल कौन से थे? फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी. आपके मुल्क में वही इस्लामी जमहूरी निज़ाम को लागू किया गया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. पहला आपके पास है इसके सीलियन फीचर्स क्या हैं. सीलियन फीचर्स आपके पास कहलाते हैं, सीलियन मतलब अहम और फीचर्स मतलब नकात. अहम कवानीन कौन से? ये तकरीबन 6 कवानीन हैं. ये इसके ये बेसिक लॉज हैं, इसके और सब क्लॉजेस बहुत सारे हैं. पहला आपके पास आता है सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी के मतलब इक्तदार है आला, के इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है. हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम. अल्लाह ताला के बाद अगर आपकी रियासत को मुल्क को चलाने का कोई जिम्मेदार है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका हेड ऑफ़ द स्टेट. प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का जो असूल है उनको चलाने का निज़ाम जो है इस्लामी तालीमात के माना सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर होगा. यहाँ पर रहने वाले मुसलमान अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, ठीक है? राइट ऑफ माइनॉरिटी, पाकिस्तान को इस्लाम पे नाम पे हासिल किया गया, यहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं, मगर मुसलमानों के अलावा और जो लोग मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं उनको भी तहफ़ दिया जाएगा. पाकिस्तान विल बी अ फेडरल स्टेट, वफाकी हुकूमत होगी. पाकिस्तान वफाकी हुकूमत होगा, मगर यहाँ पर हर प्रोविंस के पास, पाकिस्तान जो है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट होगा, मगर हर प्रोविंस के पास अपनी ऑटोनॉमी, आज़ादी मौजूद होगी, और पाकिस्तान के दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेगी. द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल, जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़कें,
तालीम, आपके पास जितनी भी बेसिक नीड्स हैं ये सारी आपके पास जो है लोगों की पूरी की जाएंगी। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब अदलिया की आज़ादी, आपके यहाँ पर जो अदालतें होंगी वो आज़ाद होंगी, वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं होंगी, वो जो चाहें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो फैसला कर सकती हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इशूज़ है, तो यू डू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।